वामपंथी दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर वाम मोर्चा जिला मुरादाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने वाम एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, खेती विरोधी तीनों कानून तुरंत वापस लो मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर मुरादाबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता कामरेड ठान सिंह ने कहा कि इस समय देश के विभिन्न प्रांतों के लाखों किसान खेती विरोधी तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का ये व्यवहार देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। सीपीआई के जिला प्रभारी कामरेड रामकिशोर रस्तोगी ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार किसानों, मजदूरों और आम आदमी की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। हमारी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़ी है। सीपीआई एमएल के जिला प्रभारी कामरेड रोहिताश राजपूत ने कहा कि लाखों प्रदर्शनकारी किसान देश की कृषि और अपना वजूद बचाने के लिए कोरोना प्रकोप और भारी ठंड के बीच पानी की बौछार, लाठीचार्ज जैसे सरकारी तंत्र के उत्पीड़न से जूझ रहे हैं, किंतु दुख की बात है कि कारपोरेट घरानों की गुलाम मोदी सरकार बेशर्मी के साथ रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन और लेफ्ट के संगठन सभी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उसके उनकी जो जायज मांगे हैं और सरकार उस पर अड़ी हुई है, जो सरकार तीन बिल लेकर के आई है, उन तीनों बिलों को वापसी की मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ मुरादाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर आज वामपंथी पार्टियां किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा और हम किसानों का समर्थन।